मिसाइलों की दुनिया के महामुकाबले में ब्रह्मोस के डर से दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ब्रह्मोस की खूबियों पर एक नजर डालें तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये इतनी खतरनाक मिसाइल है। बाकी देशों के पास मौजूद सबसोनिक क्रूज मिसाइल यानी कि आवाज की रफ्तार से धीमे उड़ने वाली मिसाइल के मुकाबले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है और इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से करीब 3 गुना यानी कि 3400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इस स्पीड पर ब्रह्मोस 1 किलोमीटर का सफर सिर्फ 1 सेकंड में तय कर लेती है। इतनी तेज रफ्तार से उड़ती मिसाइल का हमला भी बहुत खतरनाक होता है। 3 गुना तेज रफ्तार से इसमें अपने जैसी बाकी मिसाइलों से 9 गुना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यानी कि टक्कर के लिए ऊर्जा होती है। तभी इसका एक हमला किसी युद्धपोत को डुबाने के लिए काफी होता है। जल्दी इसे सबमरीन की मदद से समुद्र के अंदर 50 मीटर की गहराई से भी छोड़ा जा सकेगा, यानी कि ब्रह्मोस को दागने के लिए पनडुब्बी को सतह पर आने की जरूरत नहीं होगी। ब्रह्मोस की रेंज बढ़ाने के साथ साथ ब्रह्मोस एनजी यानी कि नेक्स्ट जनरेशन भी जल्द तैयार किया जाएगा। इसकी रेंज 290 किलोमीटर होगी लेकिन पुरानी मिसाइल से यह हल्की और छोटी होगी। अमेरिका ने आसमान में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट फायर किया। अमेरिकी सेना हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर धरती के किसी भी कोने में दुश्मन को निशाना बनाकर उसे सिर्फ 30 मिनट में खत्म करना चाहती है। दो बार फेल होने के बाद अमेरिका के अनमैन्ड स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट ने 210 सेकंड तक Mach 5 यानी 5300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। ये सबसे ज्यादा देर तक हाइपरसोनिक उड़ान का रिकॉर्ड है। जानकारों के मुताबिक ईरान और नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने के बाद से अमेरिका उनसे 2 कदम आगे रहने के लिए अपनी नई तकनीक पर काम कर रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने के रास्ते पर भारत ने भी रूस के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 बनाने के लिए DRDO ने काम शुरू कर दिया है। फिलहाल ब्रह्मोस 2 की रेंज 290 किलोमीटर रखी गई है लेकिन अब MTCR में भारत की एंट्री के बाद इसकी रेंज बढ़ाई जा सकती है। ब्रह्मोस 2 में स्क्रैमजेट एयर ब्रीथिंग जेट इंजन लगा होगा जो इसकी रफ्तार Mach 7 यानी 8500 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा पहुंचा देगी। बताया जा रहा है कि इसमें इस्तेमाल होने वाले ईंधन के लिए रूस एक स्पेशल सीक्रेट फॉर्मूला बना रहा है। महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की याद में इस मिसाइल का नाम रखा जाएगा। जानकारों के मुताबिक अगले 2-3 सालों में इस मिसाइल को टेस्ट किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट पिछले 15 सालों से भी ज्यादा वक्त से जारी है। दुनिया के ज्यादातर देशों के पास मिसाइल मौजूद होने के बाद अब ये अगली रेस है जिसमें नंबर 1 आने की दौड़ में अमेरिका, रूस, चीन के साथ भारत भी लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, Zee मीडिया।